हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं चैनल पे आपको रीजनिंग पढ़ा रही हूँ और जीके पढ़ा रही हूँ। मेरा नाम पूजा गर्ग है और मिशन गवर्नमेंट जॉब पर हमारा टारगेट ये है कि डीआरडीओ एमटीएस 2020 के अंदर हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, जिसके अंदर रीजनिंग जो है वो 35 नंबर की आएगी। ऑलरेडी 11 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है, ये हमारी क्लास 12th है, तो पहले जाके आप 11 के 11 क्लासेस चैनल के ऊपर देख लेना, उसके बाद ये 12th क्लास देखना, ठीक है। अगर आपको पीछे वाली क्लास नहीं भी देखनी है तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रैंकिंग। रैंकिंग का ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने टाइप 1 के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। एक ही फॉर्मूला चलाएंगे हम और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप अगर बाकी क्लासेस नहीं भी देखनी है या आपको ऑलरेडी आती है तो आप कम से कम इसका पार्ट 1 जरूर देखना। और रैंकिंग में मेरी गारंटी है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक फॉर्मूले से हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और रैंकिंग जो डीआरडीओ में आएगा वो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल और लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, अगर ट्रिक्स में फंस जाओगे तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, अगर मेथड समझोगे तो कहीं भी आपके मार्क्स नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हम टाइप 2 के। टाइप 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। उससे पहले टाइप 1 में हमने क्या किया था, पूरे रैंकिंग में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, किस चीज का, टोटल का। टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल निकालने का। टाइप 1 में हमने सीखा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए, ठीक है। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बंदे का लेफ्ट साइड से स्थान पता होना चाहिए, राइट साइड से पता होना चाहिए, बंदा दोनों साइड से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसमें से जब हम माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। अब ये माइनस 1 क्यों किया है ये भी रटना नहीं है आपको, एक ही पर्सन के दोनों साइड से जब हम काउंटिंग करते हैं तो एक बंदे को हम दो बार गिन लेते हैं, इसलिए हमने एक बार माइनस किया है, ठीक है। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, किसी भी चीज को रटना नहीं है। अब एक क्वेश्चन फटाफट हम पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बोला है राम का स्थान लेफ्ट साइड से 40 है, श्याम का स्थान राइट साइड से 60 है। जल्दी से अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करना और इसको सोल्व करना। आपको बताना है उस लाइन में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, आपके पास सिर्फ 20 सेकंड है और नीचे आंसर लिखना है, जो भी आपका आंसर आएगा, सेकंड चांस नहीं है, जो माइंड में सबसे पहले आएगा वही आंसर आपने नीचे लिख देना, ओके। जल्दी से ट्राई करो, सिर्फ 20 सेकंड है। राम का स्थान लेफ्ट साइड से 40 है, श्याम का स्थान राइट साइड से 60 है, आपको बताना है टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। टाइप 2 कराने से पहले जल्दी से इसका आंसर दीजिए, सिर्फ 20 सेकंड है आपके पास, सेकंड अटेम्प्ट नहीं करना है, एक ही बार में जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने आंसर लिखना है, ठीक है। जल्दी से आंसर करो, ऑप्शन भी है आपके पास, ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास 100, 99, 101 या फिर निर्धारित नहीं कर सकते। मैं वो हर पॉइंट आपको बताऊंगी जिससे पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तीन चार ऑप्शन है, 100, 99, 101 या फिर निर्धारित नहीं कर सकते, आंसर आ गया होगा आपका। चलो नेक्स्ट देखो, फॉर्मूला एक ही था हमारे पास, क्या निकालना है क्वेश्चन में, टोटल। टोटल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट भी है राइट भी है, बिल्कुल ओके है, ठीक है। माइनस 1 भी कर देंगे, पर इतना ज्यादा हमें जल्दबाजी नहीं करनी है कि एक नंबर चला जाए। आप में से अगर बच्चे एसएससी सीएचएसएल का पेपर या कोई भी पेपर दोगे तो वहां पे तो नेगेटिव मार्किंग भी है, डीआरडीओ में तो नेगेटिव नहीं है लेकिन एसएससी और रेलवे में तो नेगेटिव होती है। अब यहाँ देखो, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट और राइट तो होना चाहिए, बंदा क्या होना चाहिए, दोनों साइड से सेम होना चाहिए, यहाँ पे राम है और यहाँ पे श्याम है, ठीक है। बना के देख लो, राम का स्थान लेफ्ट साइड से 40 है, मान लो श्याम यहीं कहीं बैठा है 60 नंबर पे, हमें क्या पता दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये हमें नहीं पता, अभी तक हमने सीखा ही नहीं कि जब दो बंदे अलग अलग दे रखे होंगे तब हम टोटल कैसे निकालेंगे। जितना क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसके हिसाब से हमें कुछ और नहीं बता रखा, और जब दो बंदे अलग अलग हो जाए तब हम उसका आंसर क्या देंगे, निर्धारित नहीं कर सकते, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर क्या लगा के आएंगे, 99, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी मैक्सिमम स्टूडेंट 99 इसका आंसर लगा के आएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें आगे कुछ नहीं बता रखा कि दोनों के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, निर्धारित नहीं कर सकते। जिन जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं भी दिया वो दोबारा से सुनिए कि ये आंसर क्यों आए, ओके। दोबारा वीडियो को प्ले करके देखना कि ये आंसर क्यों आए, और पहले वाला पार्ट जरूर देखना, ठीक है। चलो आज का टाइप 2 हम शुरू करते हैं। टाइप 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे,
चार टाइप के सम बनते हैं इसमें, चारों के चारों टाइप हम बिल्कुल आराम से कवर करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चार या पांच टाइप के सम बनेंगे इसमें, ठीक है। टाइप टू के सम देखिए, टाइप टू में पूछा जाएगा एकांतर कर्म, एकांतर कर्म में, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लो, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आएगी वो समझ लो। एक लाइन में, पहले एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, एक लाइन में 25 लड़के लड़कियां, एक लाइन में 25 लड़के लड़कियां एकांतर कर्म में खड़े हैं, एकांतर कर्म में खड़े हैं, एकांतर कर्म में खड़े हैं, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। एक लाइन में 25 लड़के लड़कियां एकांतर कर्म में खड़े हैं, यदि पंक्ति के प्रारंभ में, यदि पंक्ति या लाइन के शुरू में, लाइन के शुरू में लड़का हो तो, यानी लाइन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, लड़के से, लाइन के शुरू में लड़का हो तो आपको बताना है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, उस लाइन में लड़कियों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जल्दी से नोट करिए, मैं आपको दोबारा से बोल के बता देती हूँ क्या लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लो। एक लाइन में 25 लड़के और लड़कियां, यानी टोटल संख्या बता रखी है, लड़के और लड़कियों को मिलाकर टोटल कितने हैं 25, ठीक है। खड़े कैसे हैं, एकांतर क्रम, एकांतर क्रम आप समझते हो ना, एक छोड़ के एक, यानी अगर पहले लड़का खड़ा है तो उसके बाद लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, इस टाइप से खड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है लाइन के शुरू में कौन खड़ा है, लड़का खड़ा है, तो आपको बताना है लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी बनाते हैं ना तो ये क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। जो ऑप्शन आते हैं ना, मान लो पहला ऑप्शन आया 12, दूसरा ऑप्शन आया 13, तीसरा ऑप्शन आया 14, और चौथा ऑप्शन आया 15, ठीक है। अब गलती होने के चांसेस क्या रहते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले समझो इसका बेसिक क्या है, ये क्वेश्चन अभी मैं नहीं करा रही, पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, एकांतर क्रम को हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो चार बच्चे हैं, 25 की जगह अभी मैंने ले लिया 4, उसके बाद कोई भी संख्या आ जाए आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। मैंने लिया है कि टोटल बच्चे कितने हैं 4, और वो खड़े कैसे हैं, लड़के और लड़की हैं, इन चारों में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। अभी तक अगर मैं कुछ ना बताऊं तो हमें नहीं पता लड़के और लड़कियां कितनी होगी, हो सकता है 3 लड़के हो, 1 लड़की हो सकता है 2 लड़के 2 लड़कियां हो, इस प्रकार से हो सकता है, अज्यूम तो करना ही नहीं ना। अगली लाइन में बता दिया कि वो एकांतर क्रम में खड़े हैं, ठीक है। एकांतर क्रम में अगर खड़े हैं और मैंने आपको बोला है लाइन के शुरू में कौन खड़ा है, लड़का खड़ा है, ठीक है। अब यहां समझो, ठीक है, इन चारों में बॉयज भी है और गर्ल्स भी, ओके। लाइन के शुरू में कौन खड़ा है, लड़का। मान लो पहले मैंने किसको यहाँ पे खड़ा कर दिया, लड़के को। अब एकांतर क्रम में है तो सेकंड पे कौन खड़ी होगी, लड़की, फिर लड़का, और उसके बाद लड़की, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि लाइन में टोटल लड़के कितने हैं, तो टोटल लड़के कितने हैं 2, और टोटल लड़कियां भी कितनी हैं 2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 2, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रही हूं। अब मान लो मैंने बोला है कि लाइन के शुरू में लड़का नहीं खड़ा है, लाइन के शुरू में कौन खड़ी है, लड़की खड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू में लड़की खड़ी है, फिर कौन होगा, लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का। अभी भी आपसे पूछा गया है लड़के कितने हैं तो आंसर क्या आएगा, 2, और लड़कियां कितनी है तो भी आंसर क्या है, 2, ठीक है। अब समझो नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे 4 की जगह स्टूडेंट्स कितने ले लिए, 5, टोटल बच्चे कितने हैं 5, ठीक है। अब मैंने आपको बोला है लाइन के शुरू में एकांतर क्रम में खड़े हैं, सारे कंसेप्ट यही चल रहा है, कंसेप्ट को साथ में लेके चलना है। लाइन के शुरू में लड़का खड़ा है, पहले हम ये ले लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे लड़का खड़ा है, उसके बाद लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, उसके बाद लड़का, 5 ही है ना, तो 5 तक ही जाएंगे, आगे मत चले जाना, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाए लड़के कितने हैं, तो लड़के कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 3, और लड़कियां कितनी हैं हमारे यहाँ पे 2, ठीक है। अभी अगर क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूं, मैंने बोला लाइन के शुरू में कौन खड़ी है, लड़की खड़ी है, तो यहाँ पे लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, और फिर लड़की। अब लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 3, और लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 2, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस लेवल पे सोच रहे हो तो समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी समझे तो यहाँ पे समझो आप कि जब हमारे पास सम संख्या है, सम संख्या कौन सी होती है, नंबर सिस्टम में आपको बता रखा है, मैथ में सारा कुछ बता रखा है, जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए वो इवन नंबर या सम संख्या होती है। अगर हमारे पास जो नंबर दे रखा है वो इवन नंबर या सम संख्या है, तो लाइन के शुरू में चाहे लड़का खड़ा हो चाहे लड़की खड़ी हो, हमारे पास जो बच्चे आएंगे वो दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, ठीक है। यानी 4 स्टूडेंट है तो लड़के भी 2 हैं और लड़कियां भी 2 है, किस कंसेप्ट में, एकांतर क्रम वाले कंसेप्ट में,
आगे समझ में, पेपर में कुछ भी इलॉजिकल नहीं पूछा जाएगा, सारी चीजें लॉजिकल होगी। ये नहीं है कि आपको कुछ भी उठा के दे दिया और आपसे पूछ लिया जाएगा। एग्जामिनर जो होते हैं ना वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आराम से सोच समझ के पेपर सेट किया जाता है, बस आपको लॉजिक समझना है। ठीक है, अब यहाँ समझो, जब संख्या कैसे आ जाएगी हमारे पास, विषम, यानी कि नंबर कैसे आ जाएंगे, ओड नंबर। ओड नंबर वाले में आपको ध्यान रखना है, वो संख्याएं जो दो से भाग नहीं होती पूरी पूरी, वो ओड नंबर होता है, यानी विषम संख्या होती है। और विषम संख्या वाले में लॉजिक क्या होता है हमारे पास, यहाँ ध्यान रखना है, जो बच्चा या जो स्टूडेंट पहले खड़ा होगा, यानी कि अगर लड़का जो है वो लाइन को शुरू कर रहा है या लड़की लाइन को शुरू कर रही है, अगर लड़का लाइन को शुरू कर रहा है तो लड़कों की संख्या लड़कियों से एक ज्यादा होगी। ठीक है, अगर लड़कियां लाइन को शुरू कर रही है तो लड़कियां एक ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो इसको समझना कैसे, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, अब देखो यहाँ पे इसको समझेंगे कैसे। हाँ जी, क्लॉक का पार्ट टू चल रहा है हमारा। देखो, अगर मैंने दे दिया आपको कि टोटल बच्चे कितने हैं 20, और सारे के सारे बच्चे कैसे खड़े हैं, एकांतर क्रम में खड़े हैं। ठीक है, और लाइन के शुरू में कौन खड़ा है, लड़का खड़ा है। आपसे पूछा गया है लड़कियों की संख्या क्या होगी। अब आपने जैसे ही नंबर देखा आपको ये लगा कि ये तो दो से भाग होता है पूरा पूरा, यानी ये तो सम संख्या है, और सम संख्या में लाइन के शुरू में चाहे लड़का खड़ा हो या लड़कियां खड़ी हो, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 10। यानी इस पूरी लाइन के अंदर 10 लड़के हैं और 10 लड़कियां। आगे समझ रहे, वही मान लो मैंने दे दिया टोटल बच्चे कितने हैं 21। ठीक है, अब मैंने बोला है वो एकांतर क्रम में खड़े हैं, और लाइन के शुरू में जो वो एकांतर क्रम में खड़े हैं सारे के सारे, और लाइन जो शुरू होती है वो एक लड़के से होती है। ठीक है, अब आपको बताना है कि लाइन में लड़कियां कितनी है। अब आप इसको करोगे कैसे, आप ये देख लो कि 21 से पहले सम संख्या कौन सी आती है, 21 से पहले सम संख्या कौन सी आती है, 20 आती है। अगर 20 होते हैं तो लड़के भी 10 होते हैं और लड़कियां भी 10 होती। ठीक है, अब लाइन के शुरू में अब ये संख्या कैसी है, विषम संख्या। विषम संख्या वाले में क्या होता है, जो बंदा शुरू में खड़ा होता है वो एक ज्यादा होता है। मान लो ये बॉयस है और ये गर्ल है, अगर लाइन के शुरू में लड़का खड़ा है तो लड़के कितने हो जाएंगे, 11, और लड़कियां कितनी रह जाएंगी, 10। ठीक है, अगर लाइन के शुरू में लड़की खड़ी है यहाँ पे तो लड़की कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 11, और लड़के कितने हो जाएंगे, 10। आगे समझ में, अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। गलती क्या होती है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। टोटल बच्चे कितने हैं इसमें, 25, एकांतर क्रम में खड़े हैं सारे के सारे। यदि लाइन के शुरू में कौन खड़ा है, लड़का खड़ा है, तो पूछा क्या गया है, लड़कियों की संख्या। एक तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि लाइन की शुरुआत किससे हो रही है, ओके। उसके बाद यहाँ पे पढ़ना है पूछा क्या गया है, लड़कों की संख्या पूछी गई है या लड़कियों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल बच्चे कितने हैं, 25। अब 25 में एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में तो 25 से पहले सम संख्या कौन सी आती है, 24। अगर 24 होते हैं तो कोई भी कैसे भी खड़ा हो 12-12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे लड़के पूछे या लड़कियां पूछे, लेकिन अब यहाँ है तो 25 ना, और शुरू में कौन खड़ा है, लड़का। मान लो ये बॉय है और ये गर्ल है, लड़कों में एक जोड़ दो क्योंकि टोटल 25 है, तो लड़के कितने हैं, 13, और लड़कियां कितनी हैं, 12। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लड़कियां कितनी है, लड़कियों की संख्या। तब आपका आंसर 12 पे टिक करोगे तो आपको नंबर मिलेगा। अगर जल्दबाजी में यहाँ आपने ये पढ़ लिया कि लड़कों की संख्या दे रखा था, लड़कियों की संख्या, आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया लेकिन आंसर 13 टिक कराए, जब आंसर की आएगी तब पता चलेगा कि मार्क्स कट गए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देखो 12 भी ऑप्शन में है और 13 भी, आंसर भी दोनों आ रहे हैं। लड़कों की संख्या कितनी है, 13, और लड़कियों की संख्या पूछे तब आंसर क्या टिक करना है हमें, 12। आगे समझ में, बहुत इजी मेथड है, कुछ भी रटना नहीं है, मैंने सिंपल से एग्जांपल से आपको समझा दिया। मेथड अच्छा लगे तो नीचे कमेंट के अंदर मुझे बताना जरूर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लाइन में मैंने, ये आपके लिए होमवर्क है, वीडियो को यहीं पॉज करना, बहुत अच्छे से सारा कंसेप्ट समझा दिया, जल्दी से वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन का आंसर देना। एक लाइन में 101 लड़के लड़कियां हैं, और यदि लाइन के शुरू में लड़की खड़ी है एक, तो आपको बताना है लड़कियों की संख्या कितनी है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए मुझे, जल्दी आंसर दो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट में दो। एक ही बार में सही आंसर आना चाहिए, जो भी आंसर लिखोगे वही आपका फाइनल आंसर होगा, सेकंड अटेम्प्ट नहीं मिलता। चीजों को सीखने के बाद उसको अप्लाई करना आपका फर्ज बनता है। पेपर में एग्जामिनर आपको सेकंड अटेम्प्ट नहीं देगा। एक बार अगर स्क्रीन बंद होगी उसके बाद आपके पास दोबारा मौका नहीं होगा। कोई गलतियां करनी है तो प्रैक्टिस में कर लीजिए, एक बार आपको चीजों को सीख लिया समझ लिया उसके बाद गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। तो अभी तक आपका आंसर आ गया होगा, चलो नेक्स्ट समझते हैं हम। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, टाइप 2 में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
टाइप वन समझा दिया, टाइप टू में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब समझिए हमारे पास टाइप थ्री, टाइप थ्री में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो समझिए। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, यहाँ पे बोल भी रही हूं, आप लोग खुद लिख सकते हो। 60 बच्चों की एक कक्षा में, यहाँ क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, 60 बच्चों की एक कक्षा में टाइप थ्री में किस प्रकार के सम आते हैं। 60 बच्चों की एक कक्षा में, 60 बच्चों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दो गुनी है, जहां लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से दो गुनी है, क्वेश्चन दे रखा है ये सारा कुछ दो गुनी है। 60 स्टूडेंट्स की एक क्लास में जहां गर्ल्स की संख्या यानी जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो दो गुनी है, यानी टू टाइम्स है किसके, लड़कों की संख्या के। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमें दे रखा है कमल ऊपर से, एक लड़के का नाम दे रखा है कमल, कमल ऊपर से 17वें स्थान पर है, कमल ऊपर से 17वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में दे रखा है यदि 9 लड़कियां कमल से ऊपर है, यदि 9 लड़कियां कमल से ऊपर है, यदि 9 लड़कियां कमल से ऊपर है क्वेश्चन में लिख रखा है, तो आपसे पूछा गया है तो कमल के बाद के स्थानों पर लड़कों की संख्या क्या होगी। कमल के बाद यानी नीचे, कमल के बाद के स्थान पर या स्थानों पर लड़कों की संख्या कितनी होगी, क्वेश्चन को ध्यान से नोट करना, इसी में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, बाद के स्थानों पर लड़कों की संख्या कितनी होगी, ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है, आराम से समझना। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, 60 बच्चों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, पहला पॉइंट यहां से निकालना है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60, कमल का ऊपर से स्थान दे रखा है कितना 17वां, और कमल के ऊपर टोटल लड़कियां कितनी है 9, तो हमें बताना है कमल के बाद यानी कमल के नीचे वाले स्थानों पर लड़कों की संख्या कितनी होगी। यहाँ लड़कियों के भी पूछ सकते हैं और लड़कों के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पहले तो ये बताओ टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 60। ठीक है, अब ये 60 जो है ना वो टोटल है, हमें नहीं पता कि इसमें लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी है, ये कैसे निकालेंगे हम, क्वेश्चन में बता रखा है कैसे निकालेंगे, लड़कियों की संख्या लड़कों से दो गुनी है, इतना पता चल गया इसमें कि कुछ तो लड़कियां हैं यहाँ पे गर्ल्स हैं और कुछ क्या है बॉयज। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके चलना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना उसको, कंफ्यूजन के अंदर नहीं रहना कि क्वेश्चन कैसे करना है, आराम से समझो, हर एक लाइन में ट्रांसलेट कर लो। अब क्या बताया गया है, लड़कियों की संख्या लड़कों से दो गुनी है यानी लड़कियां दो गुनी है, अगर मैं लड़कों को एक्स मान लूं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। इतना जो ये 60 बच्चे हैं इसमें गर्ल्स भी है और बॉयज भी है, लड़कों की संख्या लड़कियों से दो गुनी है, लड़कों को एक्स मान लिया तो लड़कियां कितनी होगी 2x। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में टोटल बच्चे कितने आ गए 3x। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं 60, तो 3x किसके बराबर हो गया 60 के, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 20, x की वैल्यू 20 आ गई, जो x की वैल्यू आई है वो इसमें पुट कर देंगे, b को हमने बॉयज को क्या माना था x से माना था, तो लड़के कितने आ गए हमारे पास 20 आ गए, और गर्ल्स को क्या माना था 2x, तो 20 को इससे गुणा करेंगे, 2 का तो क्लियर रहेगा, x की जगह 20 लिख देंगे हम यहाँ पे, तो लड़कियां कितनी आ गई हमारी 40। आगे समझ में, अब क्वेश्चन ध्यान से समझना है, देखो यहाँ पे 60 बच्चे हैं, हो सकता है लड़कियां 3 गुनी दे दें 4 गुनी दे दें, देखो 3 गुनी का कंसेप्ट भी समझ लो किस प्रकार से आएगा, मान लो इसी में यहाँ पे 60 बच्चे हैं और यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज, मान लो यहाँ पे लिखा होता लड़कियां 3 गुनी है तो लड़के कितने हो जाएंगे x और लड़कियां कितनी हो जाएगी 3x, मेरी तरफ से टोटल बच्चे कितने हैं 4x और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 15, लड़के कितने हो गए 15 और लड़कियां 15 थी 45। आगे समझ में, तो इस प्रकार से आपको निकालना है, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। चलो हमें इतना पता चल गया लड़कियां 40 हैं और लड़के कितने हैं 20 है। आगे समझ में, अब यहाँ पे दे रखा है कमल का ऊपर से 17वां स्थान है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है, इस प्रकार से एक लाइन बना ली, इस लाइन में एक लड़का है कमल, जब मैं यहां से काउंटिंग करते हुए आ रही हूं, एक लड़का बैठा है यहाँ पे कमल, कमल का ऊपर से स्थान कौन सा है 17वां। ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है मैंने बिठा दिया, अब मुझे बताओ कमल के ऊपर टोटल स्टूडेंट कितने होंगे यहाँ पे इस प्रकार से,
तो कमल के ऊपर टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 16। ठीक है, इस 16 में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगे यहाँ पे। अब समझो यहाँ पर कमल के ऊपर वाले स्थानों पर लड़कियां कितनी है? 9। ठीक है, इन 16 बच्चों में से लड़कियां कितनी है? 9 है, बता रखे हैं। अब 9 अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने बच गए? फिर 16 में से 9 हो गए, लड़के कितने बच गए? 7 बच गए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कमल के ऊपर तो पता चल गया, कमल के बाद के स्थानों पर लड़कों की संख्या कितनी है? ठीक है, अब देखो ऊपर लड़के कितने हैं? 7। टोटल लड़के कितने हैं हमारे पास? 20 है ना टोटल लड़के। ऊपर कितने हैं उसके? 7। कमल खुद भी तो लड़का है ना, एक हो गया 8। ठीक है, टोटल कितने हैं? 20। तो कमल के बाल के स्थानों पर लड़के कितने हो जाएंगे? 12। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कमल के बाद के स्थानों पर लड़के कितने हैं? 12। मान लो लड़के ना पूछ के यहाँ लड़कियां पूछी होती तो। अब यहाँ देखो कमल के ऊपर वाले स्थानों पर लड़कियां कितनी है? 9। कमल खुद तो लड़का है, इसको काउंट नहीं करना। टोटल लड़कियां कितनी है? 40। तो बाद के स्थानों पर लड़कियां कितनी हो जाएगी? 31। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? एक बार और समझो, क्योंकि कंसेप्ट है, आराम से समझोगे तो चीजें समझ में आएगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, टाइप 2 और टाइप 3 के हमारे सम कंप्लीट हो जाएंगे। देखो एक लाइन मैंने बनाई, इस लाइन में टोटल बच्चे कितने हैं? इस पूरी लाइन में टोटल बच्चे हैं 60। क्वेश्चन में जैसे दे रखा था मैंने निकाल लिया गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स कितनी आ गई थी? 40 और बॉयज कितने आ गए थे? 20। ये अच्छे से आना चाहिए। इसी लाइन में एक लड़का बैठा है कमल, ऊपर से 17वें स्थान पर बैठा है। सोच के देखो 17वें स्थान पर बैठा है तो ऊपर बच्चे कितने होंगे? 16 होंगे। इस 16 में आपको पता है लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होगी। क्वेश्चन में बता रखा है लड़कियां कितनी हैं? 9। तो 16 में से 9 हो गए, लड़के कितने बच गए? 7। ठीक है, पूछा क्या है? कमल के बाद लड़के कितने हैं? ऊपर 7 लड़के हो गए, कमल खुद हो गया 8। तो टोटल यहाँ पे कितने हैं? 20। 20 में से 8 जाएंगे, आंसर क्या जाएगा? 12। अगर लड़कियां पूछे तो टोटल 40 है, और यहाँ पे 9 ऊपर आ गई तो यहाँ कितनी बच गई? 31। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट कर देना। क्वेश्चन पूरा सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80 स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 80 हैं। लड़कों की संख्या यहाँ पे क्या आएगा? लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी गुना है यहाँ पे? लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी 3 गुना, लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुना है, ये पहली लाइन है। अगली लाइन में दे रखा है कोमल का ऊपर से दसवां स्थान है। क्वेश्चन में दे रखा है यदि आठ लड़के कोमल से ऊपर है तो आपको बताना है कोमल के बाद के स्थानों पर लड़कों की संख्या कितनी होगी। 80 स्टूडेंट हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुना है, कोमल ऊपर से 10वें स्थान पर है, और कोमल के यदि 8 लड़के कोमल से ऊपर है तो कोमल के बाद के स्थानों पर लड़कों की संख्या बतानी है। ठीक है, जल्दी से नीचे कमेंट करके मुझे इसका आंसर बता देना। अगर वीडियो पसंद आती है, ट्रिक्स अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना। ठीक है, आप लोगों को ध्यान देना है पढ़ाई के ऊपर, हमें DRDO में हर हाल में सिलेक्शन चाहिए। ओके, तो प्लीज वीडियो अगर पसंद आए तो नीचे कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताना। थैंक यू।